तो फ्रेंड्स अभी बज रहा है सुबह का 9 और यहाँ पर देखिए मेरा बेटा झूला झूल रहा है। कल ही मैंने ये झूला बांधा है तो ये देखिए वो झूला झूल रहा है उठते से ही। और चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ उसका रिएक्शन। फ्रेंड्स देखिए वो यहाँ पर झूला झूल रहा है। ये कल ही बांधा है मेरे हस्बैंड की हेल्प लेकर के मैंने, और ये मैंने ऐसे ही जुगाड़ करके बांधा है। तो आप लोग सोच रहे होगे पता नहीं क्या लगा दिया। और फ्रेंड्स यहाँ हम लोग नहा चुके हैं, हम दोनों एक साथ नहा लेते हैं मेरा बेटा और मैं। तो बस यहीं मैं रेडी हो रही हूँ। अभी कंगे वंगी करवा लो फिर लिखना, फिर खाना भी खा लेना फिर लिखना। मम्मा मेरे को डायपी नहीं पहनना है। नहीं पहनो ना डायपी, कौन पहना रहा है आपको? ये बच्ची गंदी है। हाँ इसको फेंक देते हैं। नहीं वो न्यू वाली डायपी है, लेकिन वो कहीं जाते हो ना तब पहनाते हैं, और रात में सोते टाइम पहना देते हैं। पता है मुझे। पता है आपको, फिर क्यों पूछ रहे हो? मुझे तो पता ही है। तो फिर आपको स्कूल जाना है मंडे से? हाँ नहीं अभी तो मैं झूला झूलने वाला हूँ, मेरे को डायनासोर बनाना है। टेबल ना दे टेबल। स्कूल नहीं जाना तुमको? नहीं जाना अभी मेरे को झूला। तो फिर मंडे से स्कूल है? अभी तो मेरी छुट्टी है। छुट्टी तो आज और कल और परसों है, फिर तो मंडे से इक्वल है। आज तो मेरी छुट्टी है। आज है छुट्टी, मंडे से स्कूल है। आज तो है छुट्टी। हाँ आज है तो ना छुट्टी। मम्मा को तुम आग में क्या लगाए हो? कुछ नहीं काजल। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर मैं नहा चुकी हूँ अभी, और मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। आज मैं बना रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी और रोटी। तो चलिए फिर मैं बैंगन की सब्ज़ी बनाती हूँ। बिल्कुल सिंपल तरीके से बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करूँगी उसमें। सिंपल सा लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूँगी या फिर कूट करके डालूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंगन की सब्ज़ी बनाना। ये देखिए ये रखे हैं मेरे बैंगन, तो ये वाले बैंगन है छोटे वाले, ये तो इस साइज के बैंगन मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, इन्हें मैं बनाऊंगी काट करके। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बैंगन को पानी में ही काटूंगी, इससे क्या है बैंगन काले नहीं पड़ेंगे। तो इस तरीके से मैं छोटे छोटे पीस में बैंगन को काट लूंगी। वैसे ही बैंगन छोटे छोटे हैं तो सारे बैंगन इसी साइज में मैं काट लूंगी। और मैंने लिए है 3-4 मिर्च, और लहसुन को छील लूंगी मैं 6-7 कलियाँ। और यहाँ पर देखिए लहसुन की कलियाँ मैं कूट रही हूँ, जो कूटने वाला होता है उसी में। और एक तरफ मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी, और आप लोग को थोड़ा सा उजाला ज़्यादा दिख रहा होगा, असल में मेरी खिड़की है वहाँ से धूप आ रही है, तो बस मैंने ध्यान नहीं दिया और रिकॉर्ड कर लिया था। बाद में समझ में आया कि वहाँ से मेरा फेस नहीं नज़र आ रहा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप माइंड मत कीजिएगा, मैं कल वहाँ पर कर्टन लगा दूँगी। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा इधर ही छोटा सा किचन है मेरा, तो ज़्यादा कंजस्टेड है थोड़ा सा, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। और देखिए मैंने जीरा राई डाल दिया है ऑयल में, और लहसुन भी डाल दिया है। अब मैं टमाटर काट लूँगी, एक टमाटर काटूँगी मैं, ज़्यादा नहीं काटूँगी क्योंकि सब्ज़ी मेरे लिए ही बन रही है, मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं बैंगन की सब्ज़ी। तो बस मैं उसमें अच्छी तरह से भुनने के बाद उसमें मैं मसाले, सिंपल से मसाले, हल्दी मिर्च और धनिया डालूँगी, और बस उसको मिक्स कर दूँगी। और उसमें फिर थोड़ा सा भुनने के बाद में उसमें बैंगन डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बताइएगा आप किस कौन कौन इस तरीके से बैंगन की सब्ज़ी बनाता है। तो बस बैंगन में से पानी निकाल करके मैं इसमें डाल दूंगी और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। नमक अभी नहीं डालूंगी, नमक थोड़ी देर के बाद डालूंगी जब हल्के से बैंगन पक जाएंगे, उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। और एक टमाटर काट के रखा था वो भी इसमें ऐड कर दिया है मैंने,
और अब इसे ढक दूंगी ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। और देखिए सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। तब तक मैंने रोटी बना ली थी, बस मेरा खाना रेडी हो चुका है। आप लोग भी खा लीजिए, बताइएगा कैसी सब्ज़ी बनी है। और यहाँ पर देखिए शाम हो चुकी है और मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग बैठकर चाय पी रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ये बजा रहे थे। और फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा ज़ाइलोफोन बजाकर बता रहे थे मेरे हस्बैंड और हम लोग चाय पी रहे थे। उसके बाद मैं बनाऊंगी शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो बस चाय हो चुकी है हम लोग की। यहाँ पर मैंने आलू को जीरे के साथ छोंक दिया है, जीरा राई के साथ, और टमाटर भी डाल दिए हैं और शिमला मिर्च काट कर रख ली है। यहाँ पर आलू और टमाटर हो चुके हैं तो इसमें मैं शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। सिंपल सी सब्ज़ी है, ना ज़्यादा कोई मसाले डालूँगी ना कुछ, बस सिंपल सा जीरा राई से इसको छोंक दिया है मैंने और बस शिमला मिर्च डाल दी है। बस इसे थोड़ा सा पकने देना है, तो उसके लिए मैं इसे ढक दूँगी ऐसा मिक्स करके, और उसके बाद मैं इसे चेक करूँगी। बस हो चुका है 5 मिनट लगभग, तो इसमें मैं देखिए इसे चला दूँगी। अभी कच्ची है थोड़ी सी शिमला मिर्च, तो इसे पकने दूँगी थोड़ी देर और बस इसे फटाफट से बन जाती है शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो कितना सुंदर कलर लग रहा है आप लोग देख सकते हैं। अब सब्ज़ी बन चुकी है तो इसमें मैं हरा धनिया डाल दूँगी। सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है, ना कोई मसाले हैं ना कुछ, तो शिमला मिर्च का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है इसमें। तो देखिए सब्ज़ी बन चुकी है, मेरा शाम का खाना हो चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो देखिए मार्केट आ चुके हैं मेरा बेटा और ये देखिए मेरे हस्बैंड हैं, उसको हाथ पकड़ के लेकर जा रहे हैं क्योंकि भीड़ भाड़ काफ़ी रहती है मार्केट में। और वैसे भी मार्केट के बाहर ही हैं, हम अभी तक अंदर नहीं गए हैं, ये बाहर का ही सीन है मार्केट का, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा मार्केट भी घुमा दूँ, मार्केट जा रही हूँ तो मार्केट का सीन भी दिखा रही हूँ मैं थोड़ा सा। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। और ये मार्केट काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी भीड़ रहती है, यहाँ मार्केट 2 दिन लगता है हफ्ते में। तो बस हम लोग थोड़ा सा सामान लेना था हमें और सब्ज़ी वगैरह भी लेनी थी, तो बस आ गए थे हम लोग। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है क्योंकि ये 2 ही दिन लगता है, इसीलिए तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ आप लोग के साथ, शेयर कर लूँ, क्योंकि बाहर ज़्यादा निकलती नहीं हूँ मैं घर से। तो सोचा आज मार्केट आई हूँ तो मार्केट का ही व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँ थोड़ा सा। और बताइएगा आप लोग मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।